हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंवेक व्लॉग्स पे। तो आज का व्लॉग होने वाला है अबाउट बर्थडे पार्टी, और ये बर्थडे पार्टी है कौशल की, उसका फर्स्ट बर्थडे है और हम अभी भी स्टुटगार्ट में ही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन कैसे कैसे की है हमने, फिर उसके बाद आपको फाइनल डेकोरेशन दिखाती हूँ कि कैसे हमारा आउटकम निकला है, और फिर आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। और जर्मनी में तो सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो इसलिए हमने भी खुद ही किया है पूरा, फूड से लेके विद डेकोरेशन एंड ऑल। तो चलिए पहले फटाफट से देख लेते हैं कि कैसा हमारा डेकोरेशन है, और फिर उसके बाद बर्थडे ब्लॉग शुरू करते हैं अपना। सो कौशल के बर्थडे की एक स्पेशल थीम है, और आप ये ब्लॉग देख के गेस करना और कॉमेंट में हमें बताना कि वो क्या होगी। और सबसे पहले यहाँ पे भैया ने ये बोर्ड ला रखा है जिसे हमने लाइट ब्लू और डार्क ब्लू पेंट किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कौशल नेम लिख दिया है। देन ये कुछ हैंगिंग्स थे जिन पे 1 to 12 मंथ्स ऑलरेडी मेंशन्ड है, और इसमें लीला ने पूरा 1 to 12 मंथ्स की फ़ोटोग्राफ्स लगाई हैं कौशल की। देन यहाँ पर पूरा डेकोरेशन अच्छे से जा रहा है, एंड फिर उसके बाद यहाँ पर भैया सफाई वगैरह कर रहे हैं, वैक्यूम कर रहे हैं, क्योंकि कल है पार्टी, बट उससे पहले ही हमें तैयारियां करनी होती है किसी भी पार्टी की, तो वही सब अभी चल रहा है। और अगर मैं आपको किचन में ले जाऊं तो यहां पे ऑलरेडी गुलाब जामुन प्रिपेयर कर लिए गए हैं, बस इन्हें फ्राई करना है और कल के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। सो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, और आई थिंक इन सब कामों से हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, और हम लोग अगर फ्यूचर में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना चाहें तो ये सारे एक्सपीरियंस बहुत ही काम आने वाले हैं, और बहुत ही ईजली हम नेक्स्ट टाइम की पार्टी ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। पूरा मिटा ये बूट्स के बाद टास्क फायर सब साथ में आएगा, ऐसे देख। मैं कौशल के लिए बोर्ड बना रही हूँ बर्थडे इनविटेशन के लिए, जिसमें मैं तीनों ही भाषा का यूज कर रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश और जर्मन। वाओ, एक भी घर पे ही बनाया है। तन्वी देख ही नहीं रही हो इधर, हे तन्वी कौशल हैप्पी बर्थडे टू यू। परमिशन लेंगे सबसे पहले कि बना लें ब्लॉग। ब्लॉग बनाते हो क्या? अरे वाह,
कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। अरे नहीं भाई। तो जैसे कि आपको पता है कि इसका बर्थडे आज, तो खाने में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। तो अभी मैं आपको लंच दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले ये छोले बनाए हैं, ये मैंने बनाए हैं, फिर राइस और ये पनीर लीला ने बनाया है। सब कुछ घर पे ही बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे ऐसा डिफिकल्ट हो जाता है बाहर से लाना। ये मटर पनीर है, ये भी मैंने बनाया है। ये जामुन के बहुत ही टेस्टी टेस्टी से गुलाब जामुन है, जो कि विकास और प्रवीण भैया और लीला तीनों ने मिलकर बनाए हैं। फिर भाभी जी का फेमस, ये भाभी जी ने बनाया है, दिव्या भाभी जी ने बनाया है। सांबर है, आई थिंक रसम है, एक रसम है और एक सांबर भी है यहाँ पे। नॉर्थ इंडियन के लेंस से बता सकता हूँ कि दोनों जैसे लग रहे हैं, लेकिन हाँ ये रसम है और ये सांबर है। और ये भी भाभी जी ने बनाया, दाल के पकौड़े और बहुत अच्छी पूरियां बन गई है। वो भाभी जी ने सुंदर सा केक भी बनाया है। वाओ, सो टेस्टी। हम यहाँ पे प्लेट सब कुछ ले चुके हैं, हम लंच करेंगे अपना। ये देखिए सब आनंदमय रूप से खाना खाते हुए। फर्स्ट इधी नाटक के बना का। हाँ ओके। फिर मैं पानी आप खा रही हूँ। यहाँ पर लेकी भी खा रही हैं। वहाँ से निकले। अच्छा चलेंगे तो आएंगे। मैं बोला कभी दिल्ली आओगे तो खाना। ऐसी मुझसे नहीं बताओगे मैं यहाँ से। तो गाइस आज हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए बर्थडे पार्टी में कौशल के, और ये बर्थडे पार्टी फुली घर पे ही ऑर्गेनाइज थी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ इस सुंदर से व्यू के साथ, क्योंकि बाहर बहुत ही प्यारी प्यारी सी स्नोफॉल हो रही है। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ और फिर उसके बाद हम मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।